एवरीवन, सो वेलकम टू मॉम्स लवेबल गैली। आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं गोभी जीरे के चावल। तो उसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधे घंटे पहले भिगोए हुए चावल लिए हैं और हमने गोभी को खोलते हुए पानी में डाल लिया है। और उसे खोलते हुए पानी में डालना ज़रूरी होता है, ऐसे डालने से गोभी की सारी गंदगी निकल जाती है और गोभी साफ भी हो जाता है। तो गोभी चावल के लिए अब हमने ले रखे हैं 8 हरी मिर्ची, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और थोड़ा सा धनिया। अब हम इसे महीन काट लेंगे। अब हम ना हमारा जीरे को अब हमारी सारी सब्जियां कट चुकी हैं। तो अब हमारा हमने तेल गरम होने रख दिया है, तो अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 1 चम्मच जीरा ऐड करना है। अब हम इसे भूनेंगे। हमें अपनी फ्लेम फुल पर रखनी है। अब हमारा जीरा भुन चुका है, अब हम इसमें गोभी डालेंगे और अब इसे हम तल लेंगे। इसे ज़्यादा तलना नहीं है, हल्का सा फ्राई ही करना है। हम इसे अच्छे से चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन ना होने लगे। गोभी फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे और इसमें हमारा हम अपने मसाले को पीसेंगे, भूनेंगे। अब हमने इसमें से गोभी निकाल लिया है, अब हम इसमें हरी मिर्ची और टमाटर डालेंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हमें अपने टमाटर को बस थोड़ी देर तक रखना है ताकि हमारे टमाटर पक जाएं। अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। हम ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी और धनिया 1/2 चम्मच और 1 चम्मच नमक, और आप अपने जितना सब्जी बना रहे हो उस हिसाब से डाल दीजिए। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हमारा मसाला मिक्स होकर भुन चुका है और अब हम इसमें गोभी डालेंगे। अब हमें गोभी और मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने पहले ही भिगो के रखे थे। जिस अंदाज से हमने 2 कटोरी चावल लिए हैं उस अंदाज से हमें अब 4 कटोरी पानी डालना है। अब इसमें पानी डालेंगे। हम उसी कटोरी में पानी डालेंगे जिसमें हमने चावल रखे थे, जिससे हमारे सारे चावल भी अच्छे से निकल आए। अब हम इसे चला के ढक के रख देंगे। अब हम इसे ढकेंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढका छोड़ देंगे। के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे धनिया से गार्निश करेंगे। अब हमारी सर्दियों की स्पेशल डिश गोभी जीरा चावल बनके रेडी हो चुके हैं। हमने इसे पापड़ के साथ सर्व किया है। आप जिसके चाहे उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।